साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमारदे हिंदी में। आज हम करने आ रहे हैं जान पहचान नवी जमात की, सबक नंबर 12, रेड क्रॉस सोसाइटी, मजबून माखूज। ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये मजबून है, माखूज लिया हुआ है कहीं से, इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके मुश्किल अल्फाज हैं, जैसे मखसूस। मखसूस का मतलब होता है ख़ास। आटा पड़ना यानी भरा होना। खून रेजी, खून बहाने वाला। माकूल मुनासिब। रहमत खुदाबंदी यानी खुदा की रहमत। तबाहकारी तबाही बर्बादी। तबाहकारी तबाही बर्बादी। खाक व खून, मिट्टी और खून। आप पाशी सिंचाई। वास्ता देना दुहाई देना। खैरगिरी देख रेख। नीम मुर्दा आधा मरा, नीम कहते हैं आधे। इब्तदाई तबी जांच, फर्स्ट मेडिकल एड यानी फर्स्ट एड। ठीक है, किताबचा मुख्तसर किताब। नताइज नतीजे की जमा पर। बाशऊर अकल वाला। तंजीम इदारा सोसाइटी। मुंतजिम बाज़ाब्ता सिलसिले से। मकासिद मकसद की जमा। मुअल्लिम उस्ताद, तबाहकुन तबाह करने वाला बर्बाद। मौसूल होना मिलना। सेहतयाब बीमारी से अच्छा होना। आफात आफत की जमा मुसीबत। तो सबक का खुलासा पढ़ लेते हैं कि इस सबक में रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में बताया गया कि किस तरह एक शख्स के जहन में खिदमत खल्क का जज्बा उभरा और फिर उस जज्बे ने एक ऐसा इदारे की शक्ल इख्तियार की जो आज दुनिया के हर गोशे में कायम है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी सिर्फ इलाज का इदारा नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी और खुदा और खिदमत का सबसे बड़ा अवामी मोर्चा है। तकरीबन 100 साल पहले का वाक़या है कि इटली के एक छोटे से शहर सेल्फ्रेस एस्ट्रिया की ताकत वर फौज का कब्जा था। फ्रांस ने अपने दोस्त ममालिक की मदद से एस्ट्रिया की फौज पर हमला कर दिया। फिर खून रेजी लड़ाई हुई। सिर्फ 15 घंटे की लड़ाई के नतीजे में दोनों तरफ की 40,000 आदमी जख्मी हुए। पूरा मैदान जंग लाशों और जख्मों से अटा पड़ा था। ये भी अटा पड़ना मतलब भरा होना। आटा मैंने बोल दिया था। इन्हीं दोनों सेल्फनों में फ्रांस के किसी बैंक के एक अहदेदार जैन हेनरी डोनाउन भी मौजूद थे। वे शहनशाह फ्रांस नेपोलियन से मिलने खास तौर पर सेल्फ्रेस्यू गया था। डाउन को अल्जीरिया में अपने कैंपों में पानी का माकूल बंदोबस्त करना था। डोनान ने जंग के ये तबाहकारियाँ देखी, वो काम भूल गया। अब उसके सामने एक ही मकसद था, किस तरह तड़पते हुए जख्मियों सिपाहियों की मदद करें और उन्हें मौत के मुंह से बचाएं। वो करीब के गांव में लोगों से मिला, उन्हें इंसानियत भाईचारे का वास्ता देकर इस बात पर राजी कर लिया कि वे जख्मी सिपाहियों की खैरगिरी में उनका हाथ बटाएंगे। हम सब भाई हैं। डॉन की इस बात से लोग मुतासर हुए और 300 अफराद इकट्ठे हो गए, जिनमें खवातीन भी थी। डोनान के साथियों ने जख्मियों की मरहम पट्टी और इब्तदाई तबी इमदाद पहुँचाई। जख्मी सिपाहियों को उठाकर करीब के देहातों में पहुँचाया गया। लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन डोनान जख्मी सिपाहियों का दुख दर्द न भूल सका। उसने जेनवा में अपने कारोबार में दिलचस्पी लेने के साथ साथ बाकायदा एक ऐसी तंजीम कायम करने की कोशिश की जो आलमी पैमाने पर जख्मी सिपाहियों की मदद करे। 1961 में उसने सेल्फनियों की याद में नामी एक किताबचा तैयार किया। उसमें हज़ारों कापियां छपवाकर यूरोप में तकसीम। इस किताबचे ने यूरोप में तहलका मचा दिया और लोगों ने चाहा कि एक सोसाइटी बन जाए। डोनाउन ने अपने साथियों की मदद से एक कमेटी बनाई और जेविया ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने हज़ारों खतूत दुनिया भर में भेजे। अक्टूबर 1963 को जेविया में कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें 70 मुल्कों ने हिस्सा लिया। सोसाइटी के अगराज और मकासद तय किए गए। एक आलमी कानून बनाया गया, उस पर आज तक अमल। इस तरह रेड क्रॉस सोसाइटी वजूद में आई यानी इस्टेब्लिश हुई। 1964 में रेड क्रॉस अफराद के लोगों को सुर्ख प्लस का निशान से पहचानते। डोनाउन को अपने मकसद में कामयाबी मिली। वो अपनी सोसाइटी के क़याम में कारोबार पर तवज्जो ना दे सका। उसका कारोबार तबाह हो गया, उसकी सेहत ख़राब हो गई। सोसाइटी नज़रअंदाज कर दिया। सोसाइटी ने उसे
15 साल बाद सोसाइटी का सालाना इजलास रोम में हुआ। फ्रांस के सदर किसी मुअल्लिम ने खत भेजा जिसमें डोनाउन का पता चलता। अब उस सोसाइटी के अफराद को एहसास हुआ कि डोनाउन को काबिल इज्जत जगह देनी चाहिए। उसे नोबल प्राइज़ दिया गया। 1910 में डोनाउन का इंतकाल हुआ, लेकिन डोनाउन के कामयाब कायम करदा किदारा सोसाइटी आज भी इंसानियत की खिदमत कर रही। समझ में आए आपके? अब डोनान ने मैदान जंग में क्या देखा? उसने देखा कि भाई बहुत सारे लोग जख्मी पड़े हैं और बिलख रहे हैं। डोनान ने किस तंजीम का ख्वाब देखा? उसने एक ऐसी तंजीम बनाने का ख्वाब देखा जो आलमी पैमाने पर हो और लोगों की मदद। वो कौन सा किताब था ना जिसने यूरोप में तहरका बचा दिया? इटली के छोटे से शहर सेल्फ्रियो में फ्रांस के उसके दोस्त ममालिक के दरमियान खूनरेजी हुई तो उसने सेल्फ्रियो की याद में नामी एक किताब चा लिखा। उसने तहलका मचा। किस जलसे में सोसाइटी के अगराज मुखातिब पर गौर किया गया? 1963 में कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें गौर किया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के अफराद किस निशान से पहचाने जाते हैं? जो जोड़िया जमा यानी लाल निशान प्लस से रेड क्रॉस के अफराद सोसाइटी के अफराद पहचाने जाते हैं। हेनरी डोनान नेपोलियन किस मकसद से मिलना है? ठीक है, डोनान क्रेड सोसाइटी के क्याम के लिए कब पैदा हुआ? ये सारी बातें इसमें आप ये सारे लिखिएगा। इसके बाद है जुमलों में इस्तेमाल करना। आबपाशी ज़मीन को ज़रखेज़ बनाने के लिए आबपाशी बुनियादी काम ये सारे लिखिएगा। वाहिद लिखना है इसका। मालूमात मुआलिमा ममालिक मुल्क नताइज नतीजा अफराद फर्द मकासद मकसद नुकसानात नुकसान खतूत खत खिदमात खिदमत आफात आफत। नीचे लिखे लफ्ज़ों के वाहिद बनाओ दुख सॉरी मुतजाद बनाओ। वाहिद लिखा हुआ है। दुख सुख जंग अमन मुखालिफ मुआफिक जिंदगी मौत मुर्दा जिंदा खुशी गम। ठीक है भाई, अब ये रेडी रेड क्रॉस सोसाइटी किस तरह वजूद में आई ये सारी बातें लिखी और ये सारी बातें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।